साइड से लेनी पड़ रही है स्कूटी हमें। और भाई साहब यार रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है, पहली बार हमने दी है स्पीड पूरी। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम सोच रहे हैं कहीं मोटो ब्लॉगिंग करें। आज पूरा मूड है भाई मोटो ब्लॉगिंग का, इसलिए आज मोटो ब्लॉगिंग करने हम जा रहे हैं NH 44 जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए। तो नाग वाली मोटो ब्लॉगिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हाईवे पे। स्टेडियम वाले रोड से जा रहे हैं, वो इधर से हम हाईवे में आएंगे नेशनल हाईवे एंड व्यू वगैरह दिखाएंगे आपको। उधर से डालेंगे हम स्कूटी, इधर से बड़ा ही खराब रोड है भाई साहब। भाई देखिए देखिए कैसा रोड है, और हमें स्कूटी निकाली इधर से। इधर से पहले रास्ता था यार, अभी बंद कर गए हैं यार। पहले इधर से क्रॉसिंग थी वो बंद हो गई है, इसी कारण मुझे बड़े दिनों बाद इस हाईवे में आया ना, इसीलिए यार थोड़ा अभी रॉन्ग साइड से लेनी पड़ रही है स्कूटी हमें। और भाई साहब यार रॉन्ग साइड से जाना पड़ रहा है, पहली बार यार। मैंने सोचा यार इधर से रास्ता है यार, इसीलिए मैं आया, नहीं तो ऊपर वाली साइड चले जाता मैं, क्योंकि इधर से पहले रास्ता था। मैं पिछले बार आया था तो इधर से क्रॉसिंग थी उस साइड को टर्न करने के लिए, पर आज तो इन्होंने बंद कर दिया है, मुझे लगता है अभी बंद की, इसके कारण हमें रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। रिस्क है भाई रॉन्ग साइड में, पर क्या करें अभी फंस गए हैं भाई रास्ते में, जाना पड़ रहा है रॉन्ग साइड से ही। हम साइड साइड भी चला रहे हैं भाई, धीरे धीरे चला रहे हैं भाई स्कूटी। अभी इधर से हम राइट साइड हो जाएंगे यार अपनी, मतलब जो राइट है हमारी, हमारी राइट नहीं वो रोड पे राइट है, रॉन्ग साइड में चल रहे थे ना हम, इधर से चले जाएंगे हम अपनी राइट में। पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो हम निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम स्पीड में जाएंगे भाई अभी, क्योंकि हम अभी अपनी राइट में ही चल रहे हैं, पहले रॉन्ग साइड से चल रहे थे, इसलिए हमें अभी कोई टेंशन नहीं है, हम स्पीड में चलाएंगे भाई, पूरी खींचेंगे हाईवे पे। फर्स्ट टाइम यार मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम हाईवे पे, अभी साउंड क्वालिटी का कोई पता नहीं क्या सीन होगा, देखते हैं अभी जोर जोर क्या सीन है भाई। हम सुपर फास्ट चला रहे हैं आगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भाई मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए हाईवे पे। देखिए उधमपुर बाईपास नीच बाहर बाहर से है, उधमपुर के बाहर बाहर से वो व्यू है हाईवे NH 44 जो है। आगे हम आगे तक जाएंगे इस हाईवे पे, देखिए खींच लिए हमने पूरी स्कूटी की स्पीड है, और देखेंगे साउंड क्वालिटी कैसी आएगी यार। माइक तो लगाई है हमने, देखिए ओ भाई साहब निग्गर साहब की हवा चल रही है, हवा भाई हवा का प्रेशर है, बड़ा ही ज़्यादा प्रेशर है हवा का। सही साथ में फ्रेंड्स हो गए होते ना यार दूसरे भी, वो भी चलते साथ में फिर मज़ा आ जाना था यार। वो उस एक का कर रहा था मैं वेट कब से, पर वो आया नहीं है, इसीलिए फिर मुझे कल ही आना पड़ा। गाड़ी वाला पता नहीं क्या कर रहा है, धीरे धीरे चला रहा है, कोई सीन होगा। हम भी अभी अभी थोड़ा सा और है ट्रैवल करेंगे इस हाईवे पे, इधर से हम आगे से टर्न हो जाएंगे नीचे को उधमपुर वाली साइड, नीचे वाली साइड ये उधमपुर इस ऊपर वाली साइड है, इधर से हम टर्न करेंगे भाई, टर्न कर जाएंगे, देखते हैं टर्न करना है इधर से हमें भाई साहब। हमें टर्न कर रहे हैं, उधर से कोई गाड़ी नहीं है इसलिए हम इधर से ही टर्न कर देंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम उधमपुर की तरफ टर्न कर चुके हैं, मार्केट की तरफ, मतलब इधर से मेन इस जगह पर यार कभी कभी रोड भी ख़राब होता है, टर्न भी बड़ी खतरनाक है। देखिए अभी फिलहाल ख़राब तो है पर इतना ख़राब नहीं है, कितने ख़राब ही है यार, ख़राब ही है, खड्डे हैं भाई दिख रहे नहीं थे हेलमेट के साथ भाई साहब, भाई क्या खड्डे हैं यार, बड़े ख़तरनाक खड्डे हैं यार। इधर भी हम हाईवे से आए ना जल्दी पहुँच गए, नहीं तो इधर ट्रैफिक बड़ा होना है, 2 मिनट पे पहुँच गए, नहीं तो टाइम लग जाना था भाई। हाईवे से ना जल्दी पहुँच गए इसलिए हम इधर से हाईवे से आए, उधर से दमेल से सीधे, उधर से हम सीधे हाईवे पे ही आ गए, तो हाईवे से हम जल्दी पहुँच गए।